हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। ये देखिए फौजी साहब के हाथ का चाय पूरा भर के ग्लास आया है यार। इतना चाय कौन पीता है। हाय। हे गाइस, तो अभी हूँ मैं किचन में और एक्चुअली आज भी हमें मार्केट जाना है क्योंकि फौजी साहब के लिए हम कुछ नहीं ले पाए थे, कुछ पसंद नहीं आया था। तो आज का शॉपिंग फौजी साहब के लिए होने वाला है और उसके पहले सबकी डिमांड थी कि दाल चावल चोखा खाना। इस्माइली को चोखा पसंद है, फौजी साहब को भुजिया खाना था आलू का, तो मैं वही बना रही हूँ। दो दिन से हम लोग रेस्टोरेंट का खाना खा के बोर हो गए थे, तो घर के दाल चावल की बात ही अलग है। हमें दाल चावल बहुत पसंद आता है, तो फाइनली मैं बना रही हूँ अपने लिए। मैं रायता बनाऊँगी, फौजी साहब भुजिया खाएँगे और इस्माइली को चोखा पसंद है। तो ये सारी ही चीज़ें बना रही हूँ। किचन अस्त व्यस्त फैला हुआ है क्योंकि सब कुछ हमें पैक करके जाना है, तो मैं व्यवस्थित नहीं कर पा रही हूँ। खाना जैसे तैसे बना के फिर हम पैक कर देंगे अंदर, उसके बाद जाएंगे। तो अभी नहा वहा के हम तैयार हो रहे हैं। स्माइली को मैं तैयार कर रही हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं तो तैयार हूँ, मुझे तो बस कपड़े पहनने हैं। और देख सकते हैं आजकल मैं मेकअप ताम झाम नहीं करती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे ही चल पड़ती हूँ। बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ, तो कोई वीडियो भी नहीं शूट कर रही हूँ मेकअप वाले, मतलब कुछ नहीं, बस जैसे तैसे चल रहा है मेरा काम। बहुत पेंडिंग भी हो गया है कोलाब्रेशन वगैरह, लेकिन जो भी हो अभी लाइफ इंजॉय कर रही हूँ। फौजी साहब छुट्टी पर हैं तो बस हमारी चल रही है। देख सकते हैं स्माइली का बाल झाड़ना, बाप रे भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत चिल्लाती है लड़की, बहुत रोती है। इसको फुसला फुसला के बाल झाड़ने पड़ जाते हैं, चोटी बनाने होते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं छोड़ दूंगी ना तो इसके सारे ही बाल निकल जाते हैं आगे से, बहुत छोटे छोटे हैं, तो मुझे चोटी बनानी पड़ती है। फिर भी देखते होंगे आप लोग, एक दो घंटे बाद इतना सी, अगर हम गाड़ी में बैठे तो सीट में इतना रगड़ेगी ना कि मतलब वो बाल बिल्कुल बेकार कर देती है लड़की। लगता ही नहीं है कि इसके बाल भी झड़ाए हैं, ये घर से तैयार होके भी आई है, लगता है कि मतलब कैसे। तो फाइनली हो गया, सो फाइनली हम निकल गए घर से तैयार वार होकर। स्माइली को बैग टांगना था, देख सकते हैं मैडम बैग टांग के जाएंगी और इतने ही देर में बाल वाल पूरे ख़राब कर लिए हैं। वाओ, ये आसमान इतना अच्छा आ रहा है। यक, तरफ चलो लेने आया तो अपनी दुकान में रख लो, ये रख ले। ओए ओए लड़की, इधर से ले लो, इधर से ले लो। क्या लोगे? हाँ बता दो, क्या जेंट्स? ये और कौन सा? एक ये ले लो, चिप्स ले लो। चिप्स कौन सा? ठीक पैसे दे दिया। ओके चलो, क्या लेना? उसके बाद हमें स्वीट्स लेने थे। मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मेरे घर में ब्लैक वाला रसगुल्ला पड़ा ही पड़ा रहता है, तो हम जब भी मार्केट आते हैं तो जो हमें पसंद आता है स्वीट्स लेके रख लेते हैं, खाते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अभी पहले मीठा नहीं खाती थी लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगी हूँ, तो यहाँ से हमने स्वीट्स ले लिया। अभी हम फिर से पहुँच गए लकड़ी की दुकान में। आप सोच रहे होंगे कि अब क्या लेना है, तो यार एक चीज़ करूँ ना तो एक और डिमांड बढ़ती जाती है। अब क्या ही बोलूँ मैं, ढूँढ रहे हैं हम लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद अभी स्माइली को लग गई थी प्यास, तो हमने पानी ख़रीदा। फिर स्माइली देवी पानी पी रही हैं। उसके बाद बगल में ही गोलगप्पे की दुकान थी, तो गोलगप्पा दिख जाए और हम ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फाइनली हमने गोलगप्पा भी खा ही लिया। उसके बाद हम पहुंच गए फर्नीचर की शॉप में और बाय गॉड इतने सुंदर सुंदर सारे सामान थे ना, शोकेस वगैरह, मतलब डेकोरेशन के सामान, सजाने वाली चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी, सारी ही चीज़ें लकड़ी की थी।
लेकिन बहुत कॉस्टली भी थी सारी चीज़ें। और आपको बता दूँ, फाइनली करते करते हमें फर्नीचर मार्केट मिल गया, जहाँ सारी चीज़ें लकड़ी की, मतलब पूरी काठ की सामान थी। बट कहते हैं लोग कि बहुत सस्ते होते हैं फर्नीचर मार्केट में, लेकिन यहाँ बहुत महंगे महंगे सारे प्रोडक्ट थे जो भी दिख रहे थे, बट अच्छे थे। मतलब डिज़ाइन तो ऐसे दिख रहे थे जैसे राजा महाराजाओं के घर में रहते थे ना, सारे प्रोडक्ट उस टाइप के दिख रहे थे, सारी चीज़ें लकड़ी की। ये देखिए, ये वॉच बहुत अच्छी लग रही थी, पूरी लकड़ी की थी, मतलब एकदम रॉयल लुक देगा अगर हम घर में सजाते हैं तो। लेकिन हमें क्वार्टर में रहना है, फिर यहाँ से जब पैकिंग करने की बात आती है ना, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती है, मतलब जा नहीं पाता है ढंग से। तो इस वजह से लेना सब कुछ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जितनी चीज़ें हो पाती है उतना ही हम लेते हैं। इसकी वजह से ना, क्वार्टर की वजह से थोड़े मार खा जाते हैं डेकोरेशन वगैरह में, फिर भी बहुत अच्छे से ही सजा लेते हैं हम। अभी तो जितने मैं पैसे खर्च कर रही हूँ ना, मतलब अब क्या ही बोलूँ, फौजी साहब तो बिल्कुल भी इसके खिलाफ रहते हैं, क्वार्टर में कुछ भी लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने तो बहुत खर्चे कर दिए, बहुत खर्चे कर दिए। और रोज़ मुझे ताने सुनने को मिलते हैं कि अभी पता चलेगा जब पैकिंग की बात आएगी तो तू ही लेके जाना, मैं कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, जैसे है टूट फूट के सारी चीज़ें जाएंगी। आगे जी, आगे स्ट्रॉबेरी, बढ़िया स्ट्रॉबेरी आ गई, खराई माल अच्छा ही मिलेगा, साठ दी एक सोलियां दो। आगे जी, आगे स्ट्रॉबेरी, बढ़िया स्ट्रॉबेरी आ गई, खराई माल अच्छा ही मिलेगा, साठ दी एक सोलियां दो। वही बस खाती है। आगे जी, आगे स्ट्रॉबेरी, बढ़िया स्ट्रॉबेरी आ गई, खराई माल अच्छा ही मिलेगा, साठ दी एक सोलियां दो। आगे जी, आगे स्ट्रॉबेरी, बढ़िया स्ट्रॉबेरी आ गई, खराई माल अच्छा ही मिलेगा, साठ दी एक सोनिया दो। रुक जाओ, रोल ले लेते हैं। स्माइलू, रोल खाते हो ना? रोल खाते हो आप? इधर आके, इधर आके, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले रोल खाना। सारी एक ही में कर दो आप। आराम से उस पर रख दीजिए। Please.
और ये मोमोज इतना ज्यादा टेस्टी है, इतना ज्यादा टेस्टी है ना कि फौजी साहब को मैंने फिर से क्या हुआ दीदी ऑर्डर कब देगा दे। इतना ज्यादा टेस्टी लगा मुझे कि मैंने बोला कि यार दो प्लेट और कर लो और खा लेते हैं। ये मोमोज स्प्रिंग रोल है, मोमोज नहीं रोल है बेटा, स्प्रिंग रोल इसके बगता है। यम्मी है ना, गरम है। यहाँ जब से आई हूँ ना फर्स्ट टाइम इतना टेस्टी रोल खाया है मैंने, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। इतने दिनों के बाद मिला तो मैंने सोचा मन भर गया तो खा ही लेती हूँ, है ना स्माइली? हाँ। स्माइली दिख नहीं रही अंधेरे में, तो चलिए अभी हम लोग मोमोज सॉरी रोल एंजॉय करते हैं। सो फाइनली हमारी बहुत सारी शॉपिंग हो गई, अब हम जा रहे हैं घर और आज की शॉपिंग सारा फौजी साहब के लिए हुआ है। कुछ तो बहुत हो गया, अंधेरा हो गया। स्माइली और फौजी साहब की शॉपिंग हुई है, मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला है, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है, तो अभी चलिए घर चलते हैं। मेरे में क्यों पोंछ रहे हैं? छी, ये लोग स्ट्रॉबेरी खा खा के मेरे ऊपर पोंछ रहे हैं। छी छी छी। फिर हम उधर से ही कैंटीन चले गए, फौजी साहब को बोला एक दो सामान लेने हैं, चलो ले लेते हैं। फिर फौजी साहब बाद में चिढ़ा रहे थे कि एक दो सामान का मतलब इतना सारा होता है क्या। सो, अभी मैं बना रही हूँ रात का डिनर और पालक पनीर बना रही हूँ आज। आपको पता है बाहर कितना भी खा लेंगे लेकिन घर पे आके तुरंत सबको भूख लगती है, बिना खाए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एक्चुअली ना मुझे पालक पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर ना उल्टा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते हैं, तो ये पालक बिना बाप रे बहुत ही टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फेवरेट है तो खाना ही है। तो पालक पनीर भी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं जैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब दिखाऊंगी नहीं बता दूंगी कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ, बिकॉज दिखाने में बहुत ही तामझाम हो जाता है और वो मेरे से हो नहीं पाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ शेयर ब्लॉगिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अभी मैं काट लेती हूँ, काट के बॉयल कर लूँगी, उसके बाद बॉयल करने के बाद बनाते हैं। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत दिखा दूँगी क्या क्या डालती हूँ। मसाला भी सेम ही होता है, मतलब मैं सारी सब्जियों में मसाला सेम डालती हूँ, तीखा चटपटा हम लोग बनाते हैं। तो मैं कट कर लेती हूँ और ये देखिए आज ये नया चक्कू लेके आए, दो चक्कू मेरा बेकार हो गया, उधर से जब गैस निकालना था ना तो इसका जो पाइप है वो निकलता नहीं है, बहुत ही हार्ड वाला ये पाइप है, प्लास्टिक वाली होती है तो आसानी से निकल जाती है, लेकिन इसके मतलब इसका जो पाइप होता है ना बहुत ही मोटा होता है, तो उसको काट काट के फौजी साहब चक्कू से काट काट के फिर भी नहीं निकल रहा था, तो एक और नया चक्कू लेके आया उससे काटने की कोशिश करी, मतलब बहुत मुश्किल से निकला, तो वो दोनों चाकू बिल्कुल बेकार हो गया। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए दो चाकू बिल्कुल बेकार, तो ये फिर आज मैं लेके आई क्योंकि वो प्याज भी नहीं कट रहा था, उससे बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि कुछ भी लाओ चाहे नहीं मेरे लिए एक चक्कू लाओ, क्योंकि एक तो खुद ही मेरे को प्याज व्याज काटने में दिक्कत होती है, हाथ वाथ कट जाते हैं और चोक नहीं रहेगा तो वो ऐसे ऐसे रेतने में और ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर चक्कू फाइनली आ गया, तो अभी मैं कट कर लेती हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। पालक पनीर एक्चुअली मेरा फेवरेट है, मुझे ना बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पनीर की सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद पालक पनीर है।
अब इसको भुनते 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 बिल्कुल रेड कर रहे हैं, तो मैं कम फ्लेम पे कर देती हूँ अभी तो तेज़ कर दूँ। ओह माय गॉड, अभी थोड़ा तेज़ किया ताकि अच्छे से ये उबाल आ जाए, उसके बाद ढक के मैं कम कर दूँगी इसको। तो मैंने इसमें पालक भी मिला के अच्छे से भून लिया है और अब थोड़ा सा ग्रेवी डालूंगी मैं, ताकि पनीर डालूंगी तो वो एडजस्ट हो जाए। सो फाइनली कुछ ही मिनटों में मेरा पनीर बनके रेडी होने वाला है और अभी मैं सेक लूँगी रोटी। बस फौजी साहब के लिए थोड़ी सी रोटी सेकूँगी, अपने लिए चावल, स्माइली के लिए चावल, हम चावल चावल खाएंगे, हमें पसंद आता है। और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर दूँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।